बहस करो ना पढ़ाई पर, बहस करो ना रोजगार पर। 50,000 रुपया पार्टी के तरफ से हमारे नेता ने दिए हैं, लेकिन इनकी आजीवन पढ़ाई, मैं झूठ नहीं कहूंगा, समुतुल्ला में या सैनिक स्कूल में उसके फॉर्म है, उसकी तैयारी इनको मेरे ख्याल से एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के तहत इनको करना होगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो भी कुछ चीजें होगी। लेकिन बिहार का जो सबसे जीडीएस स्कूल होगा, जहां ये अपना सपना पूरा कर सकता है, मैं आपको वचन देता हूं, आजीवन जब तक ये पढ़ेंगे तब तक हम इनकी पढ़ाई, हमारे युवा अध्यक्ष राजू दानवीर जी और हमारी पार्टी आजीवन इनकी पढ़ाई हम करेंगे। हॉस्टल फ्री होगी, इनके पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं होगा, ना किसी का 2,000 रुपया लगेगा। फेस मत चमकाइए, बिहार का स्कूल बना लीजिए, और एजुकेशन माफिया और एजुकेशन कोचिंग बीपीएससी में जो राजेंद्र सिंह, कौन सी, रंजीत सिंह आईएएस है, उस पर कार्रवाई कब कीजिएगा, ये सवाल करिए। इसके पहले रंजीत सिंह अपने कोचिंग से क्वेश्चन करके टॉप किया था, ये रंजीत सिंह कौन है, ये माफिया को जो आप आजादी दे रहे हैं उसको ना जेल भेजिए। अरे सुशील जी आए थे तो स्कूल देख लेते, नीतीश जी आए थे तो पासवान टोली देख लेते। सोनू जी के पास कोई कहता है कि फलना, अरे यार कौन रोका था, जनता ने तो आप लोगों को आजादी दी थी, इतना वोट दिया कि आज एक भी सोनू बिहार में इस लायक नहीं होना चाहिए था कि जिसको पढ़ने के लिए मोहताज होना पड़े। बस इतने के सुशील कुमार मोदी भी कल आए थे, उन्होंने कहा कि 2,500 मुझे तो पागल हो चुके हैं आप लोग। सुशील मोदी जिसको औकात नहीं था अपने पानी में 1 रुपया देने की, जो भाग गए अपने मोहल्ले को छोड़कर, पप्पू यादव को 12 दिन खाना देना पड़ा, कोरोना में एक दिन निकले नहीं, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्रालय रहकर एक स्कूल पट्टा में अपने मोहल्ले में नहीं बना पाए, सेंट्रल स्कूल में और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन नहीं दिला पाए। तो सुशील मोदी जी मीडिया ट्रायल सोनू हुआ तो उसकी दुकान चलानी आ गए, जाकर के उनको कहिए सत्ता में है बीजेपी ऊपर और नीचे, यदि औकात है ना तो सभी ब्लॉक में नवोदय विद्यालय और सभी पंचायत में बेटियों के लिए कस्तूरबा खोल दे, औकात है तो सभी जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय और सेंट्रल स्कूल खोल दे, औकात है बच्चों को पैसा ना देना पड़े, औकात है तो कहिए उसको ये करना, सरकार में है नहीं औकात है तो मर्दानगी ना दिखाए। इस पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन के कुकर्म के चलते ये लोग नरभक्षी हैं, ये लोग रावण हैं। श्रीलंका की रावण फिर से जल गई, भारत का रावण कब जलेगा, ये भगवान धरती के नीचे ढूंढ रहे हैं, सब रावण ऊपर बैठा हुआ है। इन लोगों से कहिए पॉलिटिकल इवेंट्स ना करें, पासवान टोली, राम टोली, कुहार टोली, कुम्हार टोली, चमट टोली, और इसी मोहल्ले में इसी गांव में कई 100 सोनू होंगे, उसकी जिंदगी बदलने की तैयारी करें। सोनू के स्कूल में ताला बंद है स्कूल मॉर्निंग है इसीलिए ताला बंद है, ऐसी बात नहीं है, स्कूल मॉर्निंग है और हम पता होना चाहिए आपको, स्कूल मॉर्निंग है ताला बंद होगा, ताला बंद रहेगा खुला रहता तो बोलते खुला है। सोनू खुश है कि नहीं, आप कल ही से बोल रहे थे कि सर कब आएंगे याद है, आप फोन पे बात किए थे कल और बोले थे कि सर आप कब आएंगे। सोनू पप्पू यादव जी की गोद में हो, अभी उनको उन्होंने आश्वासन दे दिया, आप क्या कहोगे भाई माइक किशन का सेड है, एक तरफ इधर व्यवस्था नहीं सर, दूसरा जर्जर है। अरे माइक नहीं, हालांकि कल भूसा रखा हुआ था, कल हमने आपको दिखाया था कि नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है, और इसके बाद जो है स्कूल प्रशासन ने इस क्वेश्चन को खोला है, हमने आपको कल दिखाया था कि कल किस तरह से इसमें खुला है, लेकिन किचन
राजू भैया संजय को कहा हम 10 मिनट खिड़की पकड़ने रुके हम खिड़की से देखे थे देखिएगा सर खिड़की ना कुछ ये अंदर बैग वगैरह है या नहीं सर इसके लिए फंड भी होता है समिति के माध्यम से जिस दिन मुख्यमंत्री आए थे उसी दिन इसकी जिंदगी बदल जानी चाहिए सात दिन हो गया भूसा कल निकला ताला लग गया आज छुट्टी का दिन है क्या छुट्टी का दिन नहीं है जो ना मीडिया कर गुणवत्ता और क्वालिटी पर होती है जितनी बोली उतना डाक डीएसपी और पदाधिकारी बनेंगे करोड़ रुपया दोगे तो बनोगे इसके पहले यूपीएससी का चेयरमैन जेल गया था कि नहीं रामेश्वर यादव और एसडीएनसी प्रोफेसर में क्या हुआ था बिहार में ही क्वेश्चन लीक क्यों होता है आज तक इंडिया में कभी क्वेश्चन लीक क्यों नहीं हुआ ये सब बात उनसे पूछो ना यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी है ही नहीं बस इतना जानो और कुछ पूछना है क्या ठीक क्या पूछे कोरोना दुनिया मर गया 48 लाख लोग मर गए जो भारत जो नेता कोटा से एक बच्चों को नहीं ला पाया पप्पू यादव को ट्रेन देना पड़ा कोटा से बच्चों को लाने के लिए वो बात पॉलिटिकल इवेंट जब होता है और मीडिया ट्रायल होता है तो एक सोनू बगल में पासवान टोली थे चले जाते नीतीश कुमार जिस दिन आए थे उसी दिन 12 घंटे के अंदर इस स्कूल की जिंदगी बदल जानी चाहिए थी आप हमको बता दो हमें एक सोनू नहीं हम तो हर दिन 50 सोनू के घर 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया पहुंचाते सवाल 50,000 रुपया से सोनू की जिंदगी बदल जाएगी सुशील मोदी जी से पूछे ना अपने बॉडीगार्ड को वो बाढ़ में खाना दे पाए सबको छोड़ के जो मोहल्ला उसको सबसे ज्यादा दिया सबको छोड़ के भाग गए पटना में यहाँ पॉलिटिकल इवेंट्स और फेस चमकाने और 2,000 रुपया इन्होंने तो सेंट्रल स्कूल का एडमिशन लड़ करके बंद करवा दिया एमपी का शर्म क्यों नहीं होता है डिप्टी सीएम रहने के बाद एक स्कूल नहीं बना पाए आप पटना में जो देश आजाद हिंदुस्तान के बाद मंगल और चांद की कल्पना करता था दुनिया बदलने की बात करता था आज हम ताजमहल के नीचे हिंदू मियां को ढूंढ रहे हैं हम बनारस में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं भगवान को ढूंढने वाला इंसान कौन होता है जी बस जिंदा रखना है वोट के लिए हिंदू मुसलमान और धार्मिक उन्माद को किसान का सेड है अरे माइक नहीं कल हमने आपको दिखाया था आज आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और इसके बाद स्कूल प्रशासन ने स्पेशल को खोला है हमने आपको कल दिखाया था कि कल किस तरह से इसमें आज ये सब खुला है लेकिन किचन संजय को कहा हम 10 मिनट खिड़की पकड़ने रुके हम खिड़की से देखे थे देखिएगा सर खिड़की ना कुछ अंदर बैग वगैरह है या नहीं सर इसके लिए फंड भी होता है समिति के माध्यम से जिस दिन मुख्यमंत्री आए थे उसी दिन इसकी जिंदगी बदल जानी चाहिए सात दिन हो गया भूसा कल निकला ताला लग गया आज छुट्टी का दिन है क्या छुट्टी का दिन नहीं है शिक्षा का मीनार बना दिए लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं मीनार बन गए बिल्डिंगे तो बनी ना कहीं सर नालंदा विश्वविद्यालय आज तक चालू हो पाए 4 बार मुख्यमंत्री और
6800 मिडिल स्कूल बिहार में नहीं है, 4700 हाई स्कूल बिहार में नहीं है। अब 32% भी क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन और टीचर नहीं है। और दूसरी चीज, हाई स्कूल में जितना भी एनआई को करके लिए हमें चाहिए व्यवस्था, वो कोई व्यवस्था नहीं है। जब कल्याण विभाग के बगल में 2 कोठरी का रूम जो जर्जर है, जहां आज तक न तो टीचर है, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा आपने टीचर की बहाली करवाई, तो वो कोई भी क्वालिटी और क्वांटिटी बेस नहीं थी, बेचारे सबसे पैसा लेकर के आपने बहाली करवा दी। बहाली क्वालिटी और क्वांटिटी होगा ना, एजुकेशन फ्री होगा ना जी। तो आप एजुकेशन टैक्स लेते हैं तो एजुकेशन फ्री दो। 87 में नवोदय बना तो नवोदय आज तक और जगह होना चाहिए था ना। चरभा विद्यालय का कोई कल्पना था क्या, कॉन्सेप्ट था क्या? 17 साल लालू यादव रहे, उसके बाद नीतीश कुमार रहे, यही सुशील मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हो? सुशील मोदी जी से पूछो कि सोनू गर्व का विषय हो सकता है, लेकिन जो सोनू जैसी घटना है ये तो बिहार के लिए शर्म का विषय है ना। ये क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ था, किसने मना किया कस्तूरबा स्कूल से लेकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन नहीं देना? 16 बार न्याय यात्रा नीतीश कुमार जी आप निकाले हो, समाज सुधार से लेकर जल नल योजना से लेकर हरियाली से लेकर सद्भावना से लेकर विकास यात्रा से लेकर के, क्या कोई यात्रा आपकी सफल हुई? कई बार विपक्ष और विपक्ष के नेता साइकिल से पद यात्रा, कभी आधा किलोमीटर पर, कितनी बड़ी बड़ी घटना घटी, पटना में बाढ़ और कोरोना, दुनिया मर गया, 48 लाख लोग मर गए। जो भारत, जो नेता कोटा से एक बच्चों को नहीं ला पाया, पप्पू यादव को ट्रेन देना पड़ा कोटा से बच्चों को लाने के लिए, वो बात पॉलिटिकल इवेंट्स जब होता है और मीडिया ट्रायल होता है तो एक सोनू बगल में पासवान टोली थे चले जाते। नीतीश कुमार जिस दिन आए थे उसी दिन 12 घंटे के अंदर इस स्कूल की जिंदगी बदल जानी चाहिए थी, आप हमको बता दो। हमें एक सोनू नहीं, हम तो हर दिन 500 सोनू के घर 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया पहुंचाते। सवाल, 50,000 रुपया से सोनू की जिंदगी बदल जाएगी? सुशील मोदी जी से पूछे ना अपने बॉडीगार्ड को, वो बाढ़ में खाना दे पाए, सबको छोड़ के